तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। द गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है सिर्फ 10 कमेंट का और 1K व्यू का। अगर ये टारगेट पूरा हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस एनिमेशन के अंदर। तो ये नेक्स्ट एनिमेशन इसका मैं और भी जल्दी लेके आता हूँ। अगर टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस एनिमेशन को वहीं स्टॉप कर देता हूँ। चलिए फिर अब ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो कोमुरा होता है वो मार्केट में आया होता है। मार्केट में वो इसीलिए आया है क्योंकि उसकी मॉम ने उससे केचप लाने को कहा है। वो मार्केट में आकर देखता है कि बहुत सारी रेडनेस हो रही है। फिर वो सोचता है कि वैलेंटाइन डे आने वाला है, शायद इसीलिए। तो वो सोचता है कि उसे MI जो होगी कुछ ना कुछ गिफ्ट तो जरूर देगी। वो चॉकलेट के बारे में सोचता है। वो कहता है मन के अंदर कि काश वो मुझे कुछ दे दी। तभी हम देख देते हैं कि यहाँ पर MI उसके पीछे ही आ जाती है। वो कहती है तुमने मुझे बुलाया था, तो वो जो है बहुत ज्यादा चौंक गया था। MI जो होती है वो कहती है कि बड़ी इत्तेफाक की बात है, हम दोनों जो है मार्केट के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर कोमुरा कहता है कि मैं तो केचप बाय करने आया हूँ। जब वो देखता है तो मन के अंदर कहता है कि एक बेहद ही खूबसूरत लग रही है घर के ड्रेस में। फिर वो सोचता है कि आज भी ये अपना चश्मा भूल गई है, जैसे कि स्कूल में भूल जाती है। फिर कोमुरा MI से कहता है कि क्या तुम घर से यहाँ मार्केट तक बिना ग्लासेस के आई हो? तो यहाँ पर MI जो होती है वो कहती है कि हाँ, बहुत शर्मनाक बात है बट मैं आई हूँ। तो यहाँ जो हमारा कोमुरा होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर जो MI होती है वो कहती है कोमुरा तुम कुछ के बारे में कह रहे थे, तुम कुछ विश मांग रहे थे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या बात कर रहे थे? यहाँ पर जो कोमुरा होता है वो मन के अंदर सोचता है कि इसने जो लगता है सुन लिया है मेरी सारी बात। इसे नहीं पता है कि चॉकलेट मुझे चाहिए इसकी तरफ से, बट मैं इसे बता नहीं सकता हूँ ये बात। फिर यहाँ जो कोमुरा होता है वो सोचता है कि अगर इसने चॉकलेट देने के लिए मुझे मना कर दिया तो मेरी जो ये लव लाइफ है वो तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी और मैं जो हूँ जिंदा नहीं बचूंगा। अब मैं क्या करूं, मैं तो इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता ही नहीं सकता हूं। यहाँ जो MI होती है वो कहती है कि यहाँ सब कुछ रेड रेड क्यों दिख रहा है? तो कोमुरा जो होता है वो मन के अंदर खुश हो जाता है क्योंकि वो जो है इसकी बात को भूल चुकी है, उसे ऐसा लगता है। वो कहता है कि मैं आज तो बच गया हूँ। फिर वो कहता है कोमुरा MI को कि चलो सुपर मार्केट में चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि MI और कोमुरा दोनों ही सुपर मार्केट के लिए निकल जाते हैं और सुपर मार्केट में वो दोनों आ जाते हैं। कोमुरा मन ही मन में सोच रहा होता है कि आज मैं MI के साथ आया हूँ। MI कहती है कि मैं तो मेयोनीज बाय करने आई हूँ और वो कहता है मैं तो केचप बाय करने आया हूँ। कोमुरा जो होता है वो सोचता है कि सुपरमार्केट में MI के साथ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम लोग जो हैं शादीशुदा कपल हैं जो यहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ सामान लेने के लिए आए हैं। तो लगता है मुझे जो भगवान है वो मेरे साइड है। तभी MI का ध्यान किसी चीज पर ज्यादा है तो वो कोमुरा को बोलती है कि ये क्या है। तभी कोमुरा देखता है कि वो वैलेंटाइन का सामान होता है तो वो कहता है भगवान बिल्कुल ही मेरा दुश्मन है। फिर यहाँ पर उसे याद आ जाता है कि कोमुरा जो है कुछ विश कर रहा था, इसीलिए वो उससे पूछती है कि तुम क्या विश कर रहे थे, क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं मुझे जो है तुम्हें देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कोमुरा जो होता है वो सोचता है कि मुझे जो है ये सब्जेक्ट को चेंज ही कर देना चाहिए, बट वो सोचता है कि कैसे करूं। वो कहता है कि चलो वहाँ पर कुछ फ्री सैंपल मिलते हैं, उसे ट्राई करते हैं। बट वो देखता है तो वो जो भी है वैलेंटाइन डे के लिए चॉकलेट्स होते हैं। MI जो होती है वो जाके चॉकलेट ट्राई करने लग जाती है। फिर यहाँ पर कोमुरा आता है, वो कहता है कि आप लोग चॉकलेट बेचते हैं? तो वो कहती है ओनर कि हाँ हम लोग बेचते हैं। तो वो कोमुरा जो होता है वो चॉकलेट को ले लेता है और उसका हाथ पकड़ के MI का यहाँ से चला जाता है जल्दी से। रास्ते में रियलाइज होता है कि उसने MI का हाथ पकड़ा है तो हाथ छोड़कर वो उसे सॉरी कहता है। तो यहाँ पर MI जो होती है वो कहती है तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है बट मेरा हाथ तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो ऐसा कोमुरा कहता है कि हाँ तुम्हारा हाथ कोल्ड है। मन के अंदर तो कोमुरा के वो लड्डू फूट रहे होते हैं क्योंकि उसने जो है उसका हाथ पकड़ा होता है। यहाँ पर MI जो होती है वो कहती है कि मैं अपने
ठंडे हाथों का यूज़ कर सकती हूँ। जो हमने चॉकलेट लिया है उसे मैं ठंडा रख सकती हूँ ताकि वो जो है कभी पिघलेगा नहीं। यहाँ पर जो कोमुरा होता है एमआई को कहता है, क्या तुम्हें चॉकलेट बनाना आता है? तो यहाँ पर एमआई कहती है कि हाँ मुझे चॉकलेट बनाना आता है और इस बार जो है वैलेंटाइन डे के दिन मैं जो हूँ सभी को चॉकलेट देने वाली हूँ, इसीलिए मैं अभी से चॉकलेट बनाना स्टार्ट कर दिया है। और मुझे पता है कि चारों तरफ जो डेकोरेटिंग है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर वैलेंटाइन डे आने वाला है और मैं जो हूँ सभी को चॉकलेट देने वाली हूँ। और यहाँ पर जो मार्केट के अंदर मॉल के अंदर भी सजावट इसीलिए हुई है। अब जो यहाँ कोमुरा होता है वो सोचता है कि इसका जो है ध्यान भटकाया जाए, तो वो बताता है कि यहीं पे मेयोनीज रखा हुआ है, वहाँ देखो। बट यहाँ पर एमआई जो होती है वो कहती है कि अच्छा मुझे अब समझ में आया कि तुम्हें जो है चॉकलेट चाहिए था मुझसे। तो वुमन के अंदर बहुत तेज चिल्ला के कहता है कि हाँ। वुमन ही मन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है कि कहीं वो जो है रिजेक्ट ना कर दे इस मेरे ऑफर को। अब यहाँ पर वो सोचता है कि कहीं मुझसे ये नफरत करने ना लग जाए। बट एमआई जो होती है वो कहती है कि मैं सभी फ्रेंड्स को देने वाली हूँ तो तुम्हें भी मैं थोड़ी बहुत चॉकलेट दे दूंगी। ये जो चॉकलेट है वो सिर्फ जस्ट फ्रेंड वाली चॉकलेट है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्लास के अंदर हम लोग आ जाते हैं जहाँ पर यहाँ कोमुरा जो होता है वो कहता है आज तो वैलेंटाइन डे है और आज जो है चॉकलेट देने वाली हैं सभी लड़कियां उन लड़कों को जिन्हें वो लाइक करती हैं, और मैंने भी मियां सान को जो है कन्वेंस कर लिया है कि वो मुझे चॉकलेट देंगी। मियां जो होती है सभी फ्रेंड्स को चॉकलेट दे रही होती है और यहां पर कोमरा उसे देख रहा होता है, आज भी वो ग्लासेस भूल गई है घर के अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ सभी को चॉकलेट देने के बाद को वो जो है यहाँ पर आती है कोमुरा के पास कोमुरा को चॉकलेट देने के लिए। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा चॉकलेट लेकर आई हूँ, तो ये लो तुम्हारा चॉकलेट। वो जो है उसके अंदर चेक करती है पैकेट के अंदर, बट वहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है। वो कहती है कि मैंने तो इसी के अंदर रखा था, पता नहीं कहाँ गया, लगता है कुछ मिस्टेक हो गई मुझसे। यहाँ पर एमआई जो होती है कोमुरा से माफ़ी मांग लेती है। वो कहती है इस बार लगता है मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाना भूल गई। तो कोमुरा कहता है कि कोई बात नहीं, और मन के अंदर सोचता है कि सो सकता है नेक्स्ट ईयर मिल जाए मुझे चॉकलेट। और वो जो है इसी बात को सोच कर बैठ जाता है अपने डेस्क पर। कोमुरा जो होता है वो सोचता बहुत है पर बोलता बहुत ज़्यादा कम है। वो फिर से सोचता है कि अगर नेक्स्ट ईयर वो चॉकलेट देगी तो फ्रेंडशिप वाला होगा या कौन सा होगा, नहीं नहीं मैं उसे कन्वेंस कर लूँगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए और वो जो है वो वाला चॉकलेट मैं एक्सेप्ट करूँगा, हो सकता है कि वो एक्सेप्ट कर ले। यहाँ जो एमआई होती है वो बहुत ज़्यादा ही दुखी होती है क्योंकि वो चॉकलेट देके नहीं पाई है। फिर हम देखते हैं एमआई खड़ी होती है कोमुरा से कहती है क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है स्कूल के बाद। हम देखते हैं कि वो दोनों जो है स्कूल के बाद यहाँ बैठे होते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है इन दोनों के अलावा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कहती है एमआई कि अगर मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दे पाई हूँ तो तुम जो भी कहोगे कोई भी एक चीज़ वो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने फ्रेंड को ऐसे जाने नहीं दे सकती ना। तो हम देखते हैं कि कोमुरा जो होता है वो सोचता है कि मैं क्या बोलूँ उसे करने के लिए। वो कहती है तुम कुछ भी बोल सकते हो मैं वो कर दूंगी। यहाँ जो कोमुरा है वो पूरे क्लास में देखता है, क्लास में कोई नहीं होता है और वो जो है मन में ही सोच रहा होता है, पर मन के अंदर तो उसके दो दिमाग है ना। वो दूसरा दिमाग कहता है कि हमें बोल देना चाहिए, बट वो सोचता है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो हमारा रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म हो सकता है। कोमुरा तो यही बात सोच सोच कर उसका पसीना आ जाता है, वो बस सिर्फ आए बोलता है और उसके बाद वो जो है कुछ नहीं बोल पाता है। वो कहता है कि मेरी आवाज़ बाहर नहीं आ रही है एमआई, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, इस टाइम मैं नहीं बता पा रहा क्योंकि हो सकता है अभी मैं जो हूँ कुछ अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ। यहाँ पर जो एमआई होती है वो कहती है क्या तुम्हें बाथरूम के अंदर चलना है? तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हें बाथरूम में जाके बताऊंगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बता दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये बात तुम्हें बताऊँ तो तुम मुझे मेरे फेस को देख पाओ। अभी तुम नहीं देख पा रही हो क्योंकि तुम अपने ग्लासेस जो है वो भूल गई हो। तो यहाँ पर वो वादा करती है एमआई कि ठीक है तो मैं ग्लासेस जो हूँ वो नहीं भूलूंगी। फिर यहाँ जो कोमुरा होता है वो कहता है कि तुम्हें जो हो वेट करना पड़ सकता है। तो वो कहती है कि ठीक है जब तक तुम रेडी नहीं होगे जब तक मैं तुम्हारा वेट करती रहूंगी। फिर हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो कहता है क्या तुम सचमुच करोगी? तो वो कहती है कि हाँ मैं सचमुच करूँगी। फिर उसके जेब से एक चॉकलेट निकाल लेती है, वो कहती है ये आखिरी बचा हुआ है, मैंने स्नैक्स में इसे खाया नहीं था तो ये तुम्हारे लिए है,
ये लो फ्रेंड चॉकलेट। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमआई जो होती है अपने घर पे वॉशरूम के अंदर ब्रश कर रही होती है। अब यहाँ पर वो नीचे देखती है तो उसका वेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फिर हम देखते हैं स्कूल के अंदर कोमुरा बैठा होता है और बताता है एक मंथ बीत चुका है वैलेंटाइन डे से, तो आज जो है व्हाइट डे है, तो जिस दिन भी वैलेंटाइन डे होता है उसके एक मंथ बाद व्हाइट डे आता है। व्हाइट डे में आपको जो है गिफ्ट देना होता है, जब आपको वैलेंटाइन डे हुआ होगा तब उस दिन गिफ्ट मिला होगा उसे रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है। फिर यहाँ पर वो जो है आती है और कहती है कि आज मैं फिर ग्लासेस भूल गई हूँ और मुझे पता है कि आज जो है व्हाइट डे है। अब कई जो लड़कियां हैं वो मुझे पहले से ही चॉकलेट दे रही थी, तो मैं घर पे बैठे बैठे मैं उन्हीं चॉकलेट को खाते खाते मांगा पड़ रही थी। अब इतना ज़्यादा मैंने खा लिया कि अब मेरा वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं जो हूँ चॉकलेट्स को अवॉइड कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम जो हो मुझे हेल्प करोगे इसके अंदर और तुम मुझे स्टॉप करोगे जब मैं चॉकलेट खाऊंगी। कोमुरा जो है वो सोचता है कि ये तो फिर से वॉरियर मोड के अंदर आ गई है, यानी ये जो है चॉकलेट नहीं खाने वाली है। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हम देखते हैं कि वो दोनों डेस्क पे बैठ जाते हैं और यहाँ कोमुरा अपनी चॉकलेट अपने डेस्क के अंदर ही रख लेता है क्योंकि वो खाती नहीं ना। तभी यहाँ पर आजुमा आ जाता है। वो कहता है तुमने मुझे चॉकलेट दिया था तो ये जो है रिटर्न गिफ्ट है मेरी तरफ से। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है उस चॉकलेट से, तो यहाँ पर जो हमारी एमआई होती है चॉकलेट निकाल कर खाने लग जाती है। तभी यहाँ पर वो हमारा कोमुरा है वो उसे रोकता है, कहता है तुम नहीं खा सकती हो। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं दोबारा से मिस्टेक कर रही थी। तभी एक और लड़का आता है उसे चॉकलेट देने के लिए, अब उस चॉकलेट को भी वो खाने लग जाती है। यहाँ पर वो रोकता है हमारा कोमुरा कि तुम इसे मत खाओ। यहाँ पर जो एमआई होती है वो चॉकलेट की डिटेलिंग के बारे में बात करने लग जाती है, जैसे कि इसके अंदर ब्राउन शुगर डला हुआ है और इसका फ्लेवर जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि इसे जो है मुझे खा लेना चाहिए क्योंकि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मेरा जो ये गिफ्ट है वो तो वेस्ट हो जाएगा ना, तो इसीलिए वो जो आजुमा का दिया हुआ चॉकलेट होता है बस वो उसे खाने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कोमरा कहता है अगर तुम खा ही रही हो तो मेरा खा लो चॉकलेट। तो यहाँ पर जो एमआई होती है उसके चॉकलेट को देख रही होती है, कहती है अच्छा तुम भी चॉकलेट लेके आए हो। तो वो कोमरा कहता है कि हाँ मैं भी लेके आया था तुम्हें देने के लिए, बट तुमने कहा कि तुम चॉकलेट खाओगी नहीं इसीलिए मैंने रख लिया था और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था इसलिए मैंने सोचा इसे मैं घर पे लेके चला जाऊँगा। यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा आप प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।